ओके, सो नाउ दैट वी हैव सीन कि डॉम क्या होता है, अब हम लोग गाइस कुछ मेथड्स देखेंगे जिनको यूज करके आप आइटम्स को सेलेक्ट करके चीज़ों को चेंज कर सकते हो, ठीक है? सो द मेथड्स दैट वी आर गोइंग टू सी, दीज आर नोन एज क्वेरी सेलेक्टर्स, ओके, या आइटम सेलेक्टर्स बोल सकते हो आप इनको, या डॉम सेलेक्टर्स भी बोलते हैं कुछ लोग इनको. सो हम देर आर टू कैटेगरीज ऑफ डॉम सेलेक्टर्स. वन इज जहाँ पे आप एक सिंगल आइटम फेच करते हो, देन देर इज अ सेकेंड कैटेगरी जहाँ पे आप एक साथ मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करते हो, ठीक है? सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस टू मेथड्स जिनको यूज करके आप सिंगल आइटम्स फेच कर सकते हो अपने डॉम में से, ठीक है? सो द फर्स्ट वन इज लाइक अ वेरी ओल्ड मेथड, आपने शायद कभी नाम भी सुना होगा, इसका नाम है गेट डॉक्यूमेंट बाय आईडी. सो अगर आप आईडी प्रोवाइड कर रहे हो तो आप उस पर्टिकुलर आईडी के नाम से जो भी एलिमेंट है उसकी चीजों को फेच कर पाओगे, ठीक है? एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड मेथड जो थोड़ा रिसेंटली ऐड हुआ है और वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, गेट डॉक्यूमेंट बाय आईडी से भी ज्यादा पावरफुल है, एंड इट इज नोन एज क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है? ये दोनों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. और यू हैव टू रिमेंबर कि ये दोनों मेथड्स सिंगल आइटम पे काम करते हैं, तो अगर मल्टीपल भी है तो सिर्फ पहला वाला यूज होगा, बाकी सब कुछ छूट जाएगा, ठीक है? एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड क्लास ऑफ डॉम सेलेक्टर्स जहां पर आप मल्टीपल वालों के ऊपर फोकस करोगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट आई हैव डन इज मैंने यहाँ पर एक ये H5 ऐड किया है, ठीक है? इसके ऊपर ही हम लोग काम करेंगे. सो आई विल शो यू, दिस इज द H5. इसको एक आईडी दिया मैंने फॉर्म टाइटल का, और इसको एक क्लास दिया कार्ड टाइटल का, और इसके अंदर यू कैन सी ये चीजें हैं, ठीक है? पूरा का पूरा HTML पार्ट है, ठीक है? सो व्हाट आई वांट इज आई वांट टू फेच दिस आइटम आउट ऑफ माय डॉम. सो व्हाट आई विल डू इज आई वुड राइट सिंपली कंसोल डॉट लॉग एंड आई वुड राइट डॉक्यूमेंट डॉट द नेम ऑफ द मेथड इज गेट एलिमेंट बाय आईडी एज यू कैन सी. और यहां पर आपको बस अपना उस पर्टिकुलर एलिमेंट का आईडी बताना है, और वी ऑलरेडी नो द नेम इज द नेम वॉज जस्ट वन सेकेंड फॉर्म टाइटल. ओके, सो आई वुड राइट फॉर्म टाइटल एंड आई वुड हिट सेव, एंड इफ आई रीलोड यू वुड सी दैट यू आर गेटिंग दिस एंटायर H5, ठीक है? यू आर गेटिंग दिस एंटायर H5. ओके, सो अगर आप गेट डॉक्यूमेंट बाय आईडी लगा रहे हो तो आप तीन उसके अंदर का पूरा HTML उठा के ले आते हो, ठीक है? नाउ व्हाट यू कैन डू इज मेजरली यू कैन डू थ्री थिंग्स, ठीक है? यू कैन फेच थिंग्स, यू कैन सेट थिंग्स एज इन रिप्लेस कर सकते हो, एंड यू कैन डू स्टाइलिंग. ये तीन चीजें आप कर सकते हो, ठीक है? सो लेट्स डू द फर्स्ट वन. सो लेट्स से मुझे इस पर्टिकुलर H5 के अंदर से इसका क्लास नेम निकालना है, तो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड एक आई विल डू दिस बिकॉज मुझे बार बार ये टाइप करना पड़ेगा. सो व्हाट आई विल डू इज आई वुड जस्ट क्रिएट अ वेरिएबल, लेट्स से इट्स अ कॉन्स्ट बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, लेट्स कॉल इट टाइटल, टाइटल एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस एंटायर थिंग. ओके, आई जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर सो दैट इसको मैं बार बार रीयूज कर पाऊँ, अदरवाइज मुझे पूरा बार बार टाइप करना पड़ेगा. या सो नाउ टाइटल में मेरे पास ये पूरा का पूरा चीज़ है, ये पूरा का पूरा चीज़ टाइटल में, ठीक है? एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज आई वुड सिंपली डू कंसोल डॉट लॉग एंड आई वुड राइट टाइटल डॉट क्लास नेम एंड दिस वुड फेच मी द क्लास. लेट मी शो यू. सो अगर मैं रन करूँ यहाँ पे कार्ड टाइटल प्रिंट होना चाहिए, एंड यू कैन सी कार्ड टाइटल प्रिंट हो रहा है. सिमिलरली आई कैन ऑल्सो फेच द आई डी, सो आई कैन राइट कंसोल डॉट आई डी, कंसोल डॉट लॉग, एंड देन आई कैन राइट टाइटल डॉट आई डी. ओके, एंड नाउ यहाँ पर फॉर्म टाइटल प्रिंट होना चाहिए, एंड यू कैन सी फॉर्म टाइटल प्रिंट हो रहा है, ठीक है? सिमिलरली आई कैन ऑल्सो फेच इसके अंदर का टेक्स्ट, ठीक है? सो इसके अंदर का टेक्स्ट क्या है अभी, इसके अंदर का टेक्स्ट है ये एंटर डिटेल्स और ये ईमेल प्लस पासवर्ड, ठीक है? सो अगर आपको ये फेच करना है तो यू हैव टू राइट कंसोल डॉट लॉग टाइटल. देर आर टू ऑप्शंस एक्चुअली, वन इज टेक्स्ट कंटेंट एंड द सेकेंड वन इज टाइटल डॉट इनर टेक्स्ट. ये दोनों सेम ही काम करते हैं, इन दोनों में कुछ एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ यू वुड सी दोनों का आउटपुट वुड बी सेम. सी हमें पूरा का पूरा टेक्स्ट मिल जा रहा है, ठीक है?
लास्ट थिंग दैट आई वुड डिस्कस इज कि आप इसके अंदर का पूरा HTML भी फेच कर सकते हो इफ यू वॉन्ट टू बाई राइटिंग दिस कोड. यू हैव टू सिंपली राइट console.log and you would write title.innerHTML and this would fetch the entire HTML inside that thing. Okay, so you can see ye pura ka pura HTML fetch ho gaya, theek hai, and that is how you do things. Okay, so this was the first thing that you can fetch things. Now let's learn how to set things. Okay, so I'll just change the text. So change karne ke liye kya karna padega, humne bas likhna padega. We will just write. In fact, what we will do is हम पहले change करते हैं so that हमें बाद में changes दिखाई दें. So what I would do is I would do title dot inner text is equal to hello world. Okay? And now if I reload this, you would see सभी जगह पर hello world आ गया और यहाँ पे भी hello world आ गया. ठीक है? And that is how you change things. Okay? Next is how to change style. Okay, style कैसे change करना. You can also actually add some HTML if you want to. I'll quickly show it to you. title.innerHTML is equal to, let's say I want to add let's say a span. और span के अंदर I want hello world with a style of border 1 pixel black and solid like this. Okay, and now you would see ki we are getting this border also, so you can also manipulate the HTML inside the element. Okay, next is styling. So I would simply comment out these things. Okay, and now let's discuss how to style things. So yeah, over here, in fact I'll remove everything jo hai waisa rehne dete hain. Let's do styling. Styling is very simple. What you have to do is you have to write title your entire thing dot style डॉट जो भी आपको स्टाइल डालना है. यू कैन सी ऑल द ऑप्शंस आर हियर. सो वन ऑफ द स्टाइल्स इज बैकग्राउंड. बैकग्राउंड लेट्स से हमने सेट कर दिया टू बी इक्वल टू येलो. यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड सम हेक्स कोड, वो भी चलेगा, बट फॉर नाउ यू कैन सी. ओके, यू कैन ऑल्सो डू लेट्स से टाइटल डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज ओके इज इक्वल टू लेट्स से 34 pixels. Okay, and now if I reload, you can see font size bada ho gaya. Theek hai? And I guess you get the idea. Koi bhi font size, koi bhi custom size style yahan pe apply kar sakte ho, and it will be applied smoothly. Okay, so yeah, that was the get element by ID wala method. Now we will discuss the query selector method, which is like much advanced. और आप उसमें और चीज़ें कर सकते हो जो यहाँ पे आप नहीं कर सकते. जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आप सिर्फ आईडी से फेच कर सकते हो, बाकी चीज़ों से फेच नहीं कर सकते हो. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्वेरी सेलेक्टर, इट कैन फेच यूजिंग एनीथिंग. ओके, आई शो यू दैट नेक्स्ट. और ये बहुत ही यूजफुल है बिकॉज गेट एलिमेंट बाय आईडी का रेस्ट्रिक्शन क्या है कि इट ओनली वर्क्स विद आईडीज. ओके, सो लेट्स से अगर आपके पेज में आईडीज नहीं है और अगर आप किसी और तरीके से फेच करना चाहते हो, इन दैट केस क्वेरी सेलेक्टर विल हेल्प यू. ओके, सो लेट मी शो यू व्हाट वी विल डू इज विल फेच द सेम आइटम बट दिस टाइम यूजिंग क्वेरी सेलेक्टर. सो आई वुड राइट कंसोल डॉट लॉग एंड आई वुड राइट डॉक्यूमेंट dot query selector. Okay, so I'm not getting and inside here I would pass my selector. So the selector would be from title. Okay, and you would see again I'll be getting the same result. Okay, so I'll reload the page
एंड यू कैन सी फिर से मेरे पास सेम चीज़ आ गया, ठीक है. एंड फ्रॉम हेयर आई कैन डू द एग्जैक्ट सेम थिंग्स. ओके सो आई विल क्विकली शो इट टू यू. सो वॉट वी विल डू इज जस्ट वन सेकेंड. सो आई वुड जस्ट कॉपी दिस. I would store it in a variable const title is equal to this, and now I should put a semicolon. Okay, and now I would write console.log and I would fetch title dot I can fetch class name console.log. I can fetch title.id and I can also fetch inner HTML and inner text. Okay, so I would write title.innerHTML and I would write console.log title.innerText. Okay, and I would reload the page, and you can see I'm getting all of these things. Okay, so ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है, बस fetch करने का mechanism different है. Okay, similarly you can also set things. मतलब मैं आपको जल्दी से set करके दिखा देता हूँ. So you can also set thing title dot you can set inner HTML to be equal to hello. Okay, and this will work. सो यू कैन सी वहाँ पे हेलो आ गया, ठीक है. सिमिलरली यू कैन ऑल्सो पुट स्टाइल्स एंड ऑल, बट द मेन पावर इज दैट ओवर हियर यू कैन पुट एनी सेलेक्टर, राइट. एंड एनी सेलेक्टर मीन्स लाइक एनी सेलेक्टर दैट यू कैन यूज इन सी एस एस. ओके सो आई गिव यू एन एग्जाम्पल. सो लेट्स से मैं यहाँ पे रादर देन पुटिंग अ हाइफन हैश आई एम पुटिंग अ डॉट कार्ड. मैं कार्ड को फेच कर रहा हूँ, ठीक है. नाउ मेरे पास यू कैन सी इन माई एच टी एम एल आई हैव मल्टीपल कार्ड. सो दिस इज वन कार्ड एंड दिस इज द सेकेंड कार्ड, बट सिंस दिस इज दिस विल फेच ओनली वन आइटम, इट विल फेच मी द फर्स्ट कार्ड. ओके सो लेट मी शो इट टू यू. सो अगर मैं रन करूँ यू कैन सी ये फर्स्ट वाला कार्ड है, ठीक है, जिसमें ये पूरा का पूरा फॉर्म है, ठीक है. ये वाला पूरा चीज़ है, ठीक है. ये मुझे फर्स्ट वाला फेच करके दे रहा है. सिमिलरली आई कैन ऑल्सो फेच यूजिंग आइटम्स. सो लेट्स से मैं फेच कर रहा हूँ, लेट्स से आई वांट टू फेच द ए टैग. सो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड सिंपली राइट ए, ओके, एंड दिस विल फेच मी द फर्स्ट लिंक ऑन माय पेज. सो इफ आई रीलोड आई गेट द फर्स्ट लिंक ऑन माय पेज. अगर मल्टीपल होंगे तो भी फर्स्ट ही आएगा बिकॉज दिस इज फॉर सिंगल आइटम. ओके यू कैन ऑल्सो फेच आइटम्स यूजिंग यू नो दिस नोटेशन. आई विल शो यू. लेट्स से नैव के अंदर का ए, ओके यू कैन डू दैट ऑल्सो. सो यू कैन राइट नैव के अंदर सारे एज. सो नाउ दिस विल गिव मी द सेम ए ऑल्सो, ठीक है. अगर मल्टीपल होते तो पहला वाला आ जाता, ठीक है. सिमिलरली यू कैन ऑल्सो डू लेट्स टॉक अबाउट दीज लिस्ट्स. बेसिकली आपने सी एस एस में जितने सेलेक्टर्स पढ़े वो सारे यहाँ पे एप्लीकेबल हैं. लेट्स टॉक अबाउट दीज लिस्ट. ओके लेट मी एड वन मोर आइटम ओवर हियर. आई विल एड वन मोर आइटम, लेट्स कॉल इट आइटम 5. And now what we will do is, we'll fetch, let's say, the third list item. कैसे करेंगे? We would write li colon nth child और हमें चाहिए fourth. So we would write 3. Okay? और let's see क्या आता है. And you can see item 3 आ रहा है. Actually 4 होगा क्योंकि 1 से start होता है. So yeah. 4. Okay. Now what you can do is, you can fetch the inner text, and it would give you the. Just one second. It would give you the text, item 4. Okay. Now you can change it. So let's say what I'm writing is, I'm writing this entire code. I'm writing this entire code, and I'm writing inner text is equal to. Hello world. Okay, and now what this will do is this will change the text. You can see it's now hello world. Okay, you can also do you know odd or even.
सो लेट्स से अगर आपने ऑड किया तो सिर्फ पहला वाला चेंज होगा क्योंकि क्योंकि ये सिंगल पे काम करता है. सिमिलरली अगर आपने इवन किया होता तो सिर्फ दूसरे वाला काम करता, राइट right? सिर्फ दूसरे वाला, ठीक है. एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई स्टाइल्स एंड ऑल, सो यू कैन राइट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इज इक्वल टू लेट्स पुट अ हेक्स कोड लाइक 00A65A. दिस इज अ वेरियंट ऑफ ग्रीन, यू कैन सी ये ग्रीन हो गया, ठीक है. सो द बेस्ट पार्ट अबाउट क्वेरी सेलेक्टर इज कि CSS में जितने सेलेक्टर्स अवेलेबल हैं उनमें से किसी को भी यूज करके यू कैन फेच आइटम्स, यू कैन सेट स्टाइल्स, यू कैन सेट आइटम्स, ओके. सो दैट इज वाई गेट डॉक्यूमेंट बाई आई डी का बेटर ऑल्टरनेटिव इज क्वेरी सेलेक्टर फॉर अ सिंगल आइटम, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस क्वेरी सेलेक्टर ऑल जो हमको सारे के सारे निकाल के देता है, ठीक है. सो या गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.